एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का विद स्वाति। सो गाइज, आज मैं आई हूँ शालीमार बाग में और मैं आई हूँ एवर बेग पे। गाइज देखिए, शालीमार बाग में ना एवर बेग जो आउटलेट है ना वो बहुत ही फेमस है, नॉट इवन शालीमार बाग बट दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं कुछ चीज़ें ट्राई करने। बेसिकली जो पहचाने जाते हैं ना, ये अपने केक्स और पेस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है। ज़्यादातर इनके पास बहुत सारा स्नैक्स आइटम भी है। सो मैं जा रही हूँ अंदर और कुछ ट्राई करते हैं। बट मैंने यहाँ का सुना है कि काठी रुमाली रोटी ना बहुत ही टेस्टी मिलती है, सो हम वो भी लेते हैं। साथ में मैं कुछ और भी ऑर्डर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि फूड टेस्टिंग करके कि कैसा है यहाँ का खाना। सो आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर। सो गाइज, मैं काउंटर पे आ चुकी हूँ। सो हमने मेन्यू देख के कुछ डिसाइड करी है, दो चीज़ें। आप मेरे लिए एक काठी रुमाली रोटी और एक वेज वीट मोमोस कर दीजिए। सो हमने दो चीज़ों का ऑर्डर दे दिया है और अब अभी हम पेमेंट कर देते हैं। अब कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। सो अभी मैं पेमेंट कर रही हूँ, जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है और मैं आपको बताती हूँ यहाँ का टेस्टिंग करके कि यहाँ का खाना कैसा है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा। सो मैंने यहाँ से दो चीज़ें ऑर्डर करी है। एक मैंने ऑर्डर करा है इनका काठी रुमाली रोटी जो आया है 250 रुपीज़ का, सब बिल देख सकते हो। और एक हमने ऑर्डर करे हैं यहाँ के वीट वेज मोमोज जो आए हैं 135 के। तो टोटल हमने जो पे करा है ना वो करा है 385 रुपीज़। ये रहा बिल मेरा गाइस। सो मैं यहाँ पे काउंटर पे दे देती हूँ स्लिप। सो रिस्पेक्टेड काउंटर्स पे जाके आपको अपनी स्लिप देनी पड़ेगी। सो भैया, ये हमने खाना है तो प्लीज़ आप लगवा दीजिए अच्छे से। और मोमोज़ का काउंटर उधर है। सो अभी हम उधर जा रहे हैं मोमोज़ वाले काउंटर पर और वहाँ पर अपनी स्लिप देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी मोमोज वाली जो स्लिप थी, पेमेंट स्लिप, वो वहाँ यहाँ पे दे दिया और वो हमें अभी मोमो सर्व करेंगे और उधर से हम अपना काठी रुमाली रोटी लेंगे। सो दोनों चीज़ें एक बार हमारी टेबल पे आ जाए और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ फिर से। तो मैंने दो चीज़ों का ऑर्डर दिया था एंड दोनों चीज़ें आ गई। ये है काठी रुमाली रोटी एंड ये है हमारे वीट मोमोज। सो पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, इसकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लग रही है, क्वान्टिटी ठीक है एंड इन्होंने अच्छा खासा सैलेड दिया है, चटनी है, प्याज है, हरी मिर्ची है, नींबू है और इसमें हमारे स्पून्स हैं, टिश्यू पेपर रोल करके दिया हुआ है। और इसमें है दो रुमाली रोटी जो इन्होंने अलग अलग पेपर प्लेट पे रख के दिए हैं, जिस क्वाइट गुड, ठीक है। एंड इसकी कॉस्ट थी 250 रुपीज़। और ये है मोमोज, 135 की कॉस्ट है और ऐसे रख के दिए हैं, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये चिली जो रेड चिली सॉस होती है वो, और ये मेयोनीज है। और इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मोमोज हैं ओनली 135 रुपीज़ में, आप देख सकते हो। सो आइए ट्राई करते हैं हमारी काठी रुमाली रोटी के साथ, टिश्यू पेपर्स एंड 2 स्पून्स। तो हम ट्राई करते हैं। गर्मा गर्म है, इसमें इन्होंने पनीर भी डाला हुआ है बीच बीच में एंड जो सोया चाप होती है वो डली हुई है। बट गाइस, जैसे मैंने टेस्ट करा ना, थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा है और मुझे थोड़े से मसाले ज़्यादा लगे इसमें। एक बाइट और कर लेते हैं। इसमें जो ग्रेवी है, ऑल्दो इट्स वेरी थिक, मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी मैं ये बोलूँ मेरे को अच्छी नहीं लगी। इन्होंने पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी ये सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी ना तो आप दोबारा से नहीं ले सकते हो। सो मुझे ये चीज़ मतलब इतनी बड़ी दुकान है और गाइस मुझे ना 250 रुपीज़ की इसकी वर्थ लगी नहीं। मतलब हमें हम काठी रुमाली रोटी बहुत जगह पे मिलती है, मुझे इसकी कॉस्ट मतलब लाइक 150 इज़ लाइक सफिशिएंट। और आप दोबारा से सब्ज़ी भी नहीं दोबारा से मांग सकते हो, ले सकते हो, उन्होंने पहले ही बैनर लगा रखा है तो 150 इज़ फाइन फॉर दैट, ठीक है। और स्पाइसी भी ज़्यादा है, कुछ पर्टिकुलर मेरे को टेस्ट बहुत ज़्यादा कोई खास लगा नहीं। सो अब आ रही है हमारे मोमोज की। सो ये है हमारे मोमोज एंड इसमें 6 मोमोज हैं, साथ में मेयोनीज है। चलिए आइए इसको भी ओपन कर लेते हैं। एंड ये है हमारी चिली सॉस। तो ये है वीट मोमोज एंड ये मैदे वाले नहीं होते, ये बिल्कुल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये वीट होता है, बिल्कुल होल वीट। एंड ये है इसके अंदर वेजीज, इसमें थोड़ा पनीर है
कैप्सिकम है, कैबेज है, छोटा छोटा बहुत बारीक सा अनियन है और कैरेट भी डली हुई है। सो आइए ट्राई करते हैं। और ऊपर से इन्होंने चाट मसाला डाला हुआ है मोमोज के ऊपर, थोड़ा सा चटपटा एक टेस्ट आ जाए। इट इज़ क्वाइट गुड, अच्छे हैं, लग ही नहीं रहा कि मैं वीट मोमोज खा रही हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है, वेजीज बहुत फ्रेश लग रही है। बहुत सॉफ्ट है। एंड बस एक चीज़ है, थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे, 6 की जगह ना इसमें 8 होने चाहिए थे 135 रुपीज़ के हिसाब से, तो क्वांटिटी कम है एंड बट टेस्ट इसका अच्छा है, नो डाउट। क्योंकि वीट मोमोज भी ना हर कोई अच्छा टेस्ट नहीं दे सकता। चाट मसाला डाला है ना, तो थोड़ा सा मतलब अगर आप चिली सॉस के साथ खाते हो, रेड चिली सॉस के साथ, तो आपको स्पाइसी और थोड़ा चाट मसाला डाला हुआ है तो चटपटा सा फ्लेवर आ रहा है। मोमोज़ अच्छे हैं हमारे मोमोज, और फिलिंग भी बहुत अच्छी है। 135 रुपीज़ के हैं, 6 हैं, मेरे हिसाब से 8 होने चाहिए थे, थोड़ा सा कॉस्ट के हिसाब से क्वांटिटी कम है। एंड इन्होंने हमें मेयोनीज दिया है, रेड चिली सॉस दिया है। सर्विस एवरेज है, मतलब ऑर्डर दिया था, थोड़ा सा टाइम लगा था। और अगर हम बात करें दोनों चीज़ों की, मेरे को दोनों चीज़ों के रेट्स थोड़े से ज़्यादा लगे। क्वांटिटी इसकी अच्छी है, क्वांटिटी जो हमारी काठी हमारी रोटीज़ की जो क्वांटिटी है वो मुझे सही लगी। इन्होंने हमें 6 मोमोज़ दिए थे और 135 के है, क्वांटिटी मुझे इसमें थोड़ी सी कम लगी, एटलीस्ट 6 की जगह 8 होने चाहिए थे, गर्म है। सो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे एवरेज रहा, मतलब बहुत जैसे कहते ना एवर बेक है, जाइए बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है, सो कई चीज़ों के ना सिर्फ नाम होते हैं बट एवरेज है। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी यहाँ पे चीज़ें ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर आके कैसा लगा। केक्स, पेस्ट्री और भी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस आप हमें शेयर करिए। बट मेरा यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो एवरेज रहा। मैं शायद यहाँ पे नहीं आऊँ, एंड बाकी आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर आना चाहे तो आ सकते हैं। सो मेरा एवर बेक एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर करा। सो गाइज, मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जायका इंडिया का विद स्वाति। सो ऐसे ही जेन्युइन फीडबैक्स के साथ मैं अपनी वीडियोस लाती रहूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का विद स्वाति को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।